महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। हालांकि ग्रेट डिप्रेशन के बारे में सभी कंट्रियों पर बराबर असर नहीं हुआ और इसकी बिगनिंग हुई थी 1929 के अंदर और ये रहा इसका असर 1935 तक। ग्रेट डिप्रेशन से बहुत सारे देशों के अंदर गिरावट आई, उत्पादन में, प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में और इनकम में लोगों की, पूरे वर्ल्ड के अंदर, बट नॉट फिक्स्ड। बट सबसे ज़्यादा अगर वे हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो आया ग्रेट डिप्रेशन का वो आया एग्रीकल्चर पर, कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रीज। हाउ? एग्रीकल्चर की जो प्राइजेस थी वो बहुत लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल गुड्स। तो चलो जानते हैं, पहला कारण था ग्रेट डिप्रेशन का एग्रीकल्चर, ओवर प्रोडक्शन रिमेन ए प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। क्या होता है जब प्राइजेस डाउन हो जाती है तो बहुत सारे जो फार्मर्स है वो ट्राई करते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन करने की, जिससे कि वो जो उनकी इनकम का जो सोर्स है वो बराबर बना रहे, ओवरऑल इनकम को मेंटेन करके रखने के लिए। पर ज़्यादा जब प्रोडक्शन हो जाता है तो मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्शन आ गया, अब उनको परचेस करने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, ठीक है। एंड फार्म प्रोड्यूस रूटेड फॉर ए लैक ऑफ बायर्स, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो सारी फसल खराब हो गई, ओवर प्रोडक्शन हो गया फसल का, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। सेकंड रीज़न ये रहा कि 1920s के बाद में अमेरिका बन गया था क्रेडिटर और अमेरिका अपनी पूंजी, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता था यूरोपियन मार्केट में और पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज़ को देता था। पर जब महामंदी का, जो ग्रेट डिप्रेशन का दौर आने लगा, लोग गुड्स को खरीदने नहीं लगे और ओवर प्रोडक्शन होने लगा अमेरिका में और पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो अमेरिका के जो बड़े इन्वेस्टर थे उन लोगों ने अपना पैसा रोक दिया कर्ज देने के लिए यूरोपियन देशों को जो अमेरिका पर डिपेंडेंट थे। जब पैसा आना बंद हो गया, पैसा मिलना बंद हो गया अमेरिका से, तो वो लोग बर्बाद हो गए, उनकी इंडस्ट्रीज स्टॉप हो गई, जो भी प्रोजेक्ट थे वो सब स्टॉप हो गए। और कहते हैं कि इन 1928 विद इन द 6 मंथ, उसके 6 महीने के पहले तो जो अमेरिका का इन्वेस्ट था पूरे वर्ल्ड के अंदर वो था $1 बिलियन, बट विद इन द 6 मंथ, 1928 के अंदर 6 मंथ के बाद में ये रह गया 1 क्वार्टर, बहुत ज़्यादा गिर गया अमेरिका में। साथ में अमेरिका में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, अमेरिका के जो बैंक थे वो वहाँ के लोकल बिजनेसमैन को पैसा देना बंद कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि पैसा वापस नहीं आ पाएगा। इससे वहाँ की इंडस्ट्रीज डूब गई, जब इंडस्ट्रीज डूब गई तो प्रोडक्शन रुक गया तो वहाँ के लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, तो वहाँ पर अमेरिका के अंदर बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में भी लोगों के घर, कारें और जो भी संपत्ति थी, प्रॉपर्टी, वो सब क्या हो गई, नीलाम हो गई। तो लोगों की हालत ख़राब हो गई, लोगों को जॉब के लिए इधर उधर जाना पड़ा, अमेरिका छोड़ना पड़ा बहुत सारे लोगों को उनके देश की ओन कंट्री को छोड़कर दूसरे देशों में काम की तलाश में जाना पड़ा। ये था ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट ऑन द अमेरिकन, द यूरोपियन कंट्रीज एंड स्पेशली ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। साथ ही में बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बाई 1933 तक 4000 बैंक हैड क्लोज्ड एंड बिटवीन 1929 टू 1932 के बीच में 1,10,000 कंपनीज हैज़ कोलैप्स्ड, कंपनीज बंद हो गई। तो ग्रेट डिप्रेशन ने पूरे दुनिया को तबाह कर दिया, पर नॉट फिक्स ए पर्टिकुलर कंट्री, मतलब सब कंट्रियाँ किसी न किसी तरह से इफेक्टफुल रही द ग्रेट डिप्रेशन की। ये थी कहानी ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी ऑफ द वर्ल्ड।